आईपीएल 2023 में शनिवार के दिन डबल हेडर मुकाबले खेले जा रहे हैं। इसमें दिन का पहला और सीजन का 11वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने 4 विकेट के नुकसान पर 199 रन बनाए। राजस्थान के लिए आज दोनों ही सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर ने तबाही मचा दी। जॉस बटलर की बात करें तो उन्होंने चोटिल होने के बावजूद भी जो पारी खेली है वो बताता है कि बल्लेबाज अपनी टीम के लिए कितने वैल्यूएबल खिलाड़ी हैं। आपको बता दें कि इस मुकाबले से पहले खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के विकेटकीपर बैट्समैन जॉस बटलर की उंगली में चोट लग गई थी। फील्डिंग करते समय उनकी उंगली में चोट लगी, जिसकी वजह से चोट के चलते उस मुकाबले में बटलर की जगह अश्विन को पारी की शुरुआत करनी पड़ी। लेकिन अब दिल्ली के खिलाफ खेले जा रहे मुकाबले में जॉस बटलर ने 79 रनों की पारी खेलते हुए अपनी टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया। इस दौरान उन्होंने 51 गेंदों का सामना किया, जिसमें 1 छक्का और 11 चौके शामिल हैं। आपको बता दें कि जॉस बटलर ने अपने पारी की पहली गेंद से लेकर के तबाही मचानी शुरू की। उन्होंने ऑनरिक नॉर्किया के पहले ही ओवर में 4 चौके जड़ते हुए अपनी मंशा साफ कर दी थी। जॉस बटलर 2022 के सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने थे, ऑरेंज कैप जीती थी। इस सीजन भी उनका बल्ला खामोश नहीं है। पहले मैच में भी उन्होंने अर्धशतक की पारी खेली और इस मैच में भी 50 जड़ते हुए ये बता दिया है कि बल्लेबाज में कितनी क्षमता है। आपको बताते चले कि जॉस बटलर ने अंत में जाते जाते कई तेज़ गेंदबाजों को खूब मार लगाई और इस मैच में राजस्थान को बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।